आप देख रहे हैं वार्ता 24। देश में कई शहरों और स्टेशन के नाम बदले जाने के बाद अब दक्षिण के राज्य का नाम बदलने की चर्चा है। केरल सरकार राज्य का नाम बदलना चाहती है। राज्य का नाम बदलने के लिए केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो केरल को केरलम के नाम से जाना जाएगा। अब फुटबॉल केंद्र सरकार के पाले है। प्रस्ताव पास करके इसे राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा है। आइए जानते हैं क्यों बदला जा रहा है नाम, क्या है वो नियम जिसके तहत नाम को बदलने की तैयारी है, पुराने और नए नाम में कितना अंतर है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का क्या कहना है। नाम बदलने को लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं। पहला केरल सरकार का तर्क है कि केरल को मलयालम में केरलम कहा जाता है, लेकिन दूसरी भाषाओं में इसे केरल ही पढ़ा और लिखा जाता है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल दर्ज है, इसलिए इसका नाम बदला जाना चाहिए। दूसरा, 1 नवंबर 1856 को जब भाषा के आधार पर केरल अलग राज्य बना तो लेकिन इसे केरलम की जगह केरल कहा गया। मुख्यमंत्री पिनराई ने कहा कि सदन में नियम 118 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में हमारे राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया गया है। सदन में प्रस्ताव पेश करते वक्त मुख्यमंत्री विजयन ने तर्क दिया कि मलयालम में केरलम शब्द स्वीकृत है जबकि अन्य भाषाओं में इसे केरल के रूप में जाना जाता है। मलयालम में हमारे राज्य का नाम केरलम है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी मलयालम भाषी लोगों के लिए एक संयुक्त राज्य केरल बनाने की मांग थी, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल दर्ज किया गया था। अब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत सभी आधिकारिक भाषाओं में राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के लिए अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों की गणना की गई है, जबकि 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची है। केरल की सरकार के अनुरोध पर विपक्ष ने भी अपनी सहमति दी है। खैर, अब जानना दिलचस्प होगा कि केरल का नाम बदला जाएगा या नहीं। इस खबर पर आगे की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए वार्ता 24। आप देख रहे हैं वार्ता 24।